नमस्कार साथियों, मैं हरचंद सिंह फ्रॉम अनुमानगढ़ से आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने डायरेक्ट अप्लाई मुकेश अजाबा जी के साथ हमारे अनुमानगढ़ के न्यू ऑफिस में हूं। मुकेश जी, आपका यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। तो साथियों, आज मैं अपने अनुमानगढ़ नए ऑफिस में आया हुआ था कि मेरे माइंड में कुछ दिनों से प्लानिंग थी, कुछ सवाल थे, उन सवालों को क्लियर करने के लिए अपने अप्लाई मुकेश अजाबा जी के पास आया हूँ। और इसके बारे में आप भी जानोगे कि हमें आगे किस प्लान की प्लानिंग है और मुकेश अजाबा जी क्या विचार रहे हैं। तो मुकेश जी, मेरा ये आपसे पहले ये सवाल है कि जैसे अपनों ने साथ में ये बात शुरू किया, बिल्कुल सर, तो लगभग 4 महीनों के अंदर जैसे मैंने क्या है कि 130,000 रुपये अर्न किए हैं यहाँ से। क्या बात, बताइए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसी के मुकाबले सर आपने 4.5 लाख रुपये की इनकम हिट की है, तो इसका थोड़ा आप मेरे को और अपने व्यूअर्स को बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है सर। देखो अरचिंदर जी, इसके ना पीछे ज़्यादा कोई बड़े कारण नहीं निकल के आएंगे, बस छोटे बारीक कारण आते हैं। जैसे मान लो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पैर में दर्द है ना, तो उसका बड़ा कारण नहीं हो सकता, छोटा सा हो सकता है, कांटा चुभा हो। तो वही छोटे बदलाव आपको बिजनेस में ग्रो करते हैं। हाँ जी सर। और मेरे में और आप में कोई बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों का फर्क है। देखो, मेरा पहली बात तो जो डायरेक्ट सेलिंग का पुराना एक्सपीरियंस है, उसने भी थोड़ा काम किया। हाँ, अगर आपका भी वो एक्सपीरियंस होता तो आप सोच सकता है 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख हिट करते हैं, लेकिन 4.5 नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, कुछ चीजें और मैंने समझी। मैंने देखा कि आज के टाइम में जो डायरेक्ट सेलर कामयाब ज्यादा है, जो फील्ड में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो बिजनेस में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनमें क्या बदलाव हुए, क्या सुधार हुआ। तो कुछ चीजें निकल गए कि उनका मन नहीं करता तब भी वो वीडियो बनाते हैं, उनका मन नहीं करता तब भी वो प्लान करते हैं, उनका मन नहीं करता तब भी वो फॉलोअप करते हैं, उनका मन नहीं करता तब भी वो जूम लेते हैं। अरजिंदर सर, आपको ऐसा पता है कि जब ये बोला गया कि मुकेश सर आपको सुबह 7 बजे की जूम लेनी है, और मैं 4 बजे तक लॉन्ग ट्रेवल से आया था, तो भी मैंने 2 घंटे बाद अपने आप को रिफ्रेश करके जूम मीटिंग ले ली। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब बेक ऑफ द सबसे बड़ा रीजन जो निकलता है, रूट निकलता है, वो रूट ये है कि मैंने उन चीजों को अपनाया जो एक फेलियर नेटवर्कर नहीं अपनाता। अब आपका और मेरा डिफरेंस निकल के आया वो ये कि मैं थोड़ा सा डिजिटली था, थोड़ा सोशल मीडिया से, और थोड़ा एक चीज की क्वालिटी बेहतर थी, मेरे को लोगों को लेके चलने की कला आती थी। तो आप वही, जो इतने लोग आपके साथ आए, उतने लोगों को आप मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ क्राइसिस ज्यादा रहे आपके सिटी में, मतलब जन्म दर मृत्यु दर में हमेशा बोलता हूँ, तो आपके जन्म दर कम रही, मृत्यु दर ज्यादा रही, तो बिजनेस आपका ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक लीडर ही टीम को लीड करता है, इसलिए वो छोटी चीजें अब बदलाव कर ली जाएंगी, तो अब हम सुधार कर लेंगे, अब उन चीजों को ग्रो कर लेंगे, और छोटे छोटे बारीक बारीक बदलाव है उनमें, हम बदलाव सुधार कर लेंगे। और मैं बोलता हूँ 4 लाख 4.5 लाख नहीं दोस्तों, ऐसे भी लीडर हैं जो हमसे कम क्वालिटी के थे, उन्होंने 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाए हैं, और ज्यादा क्वालिटी वालों ने ज्यादा कमाए हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा भी अर्न करने वाले हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसा कि मुकेश जी आपने बहुत ही बढ़िया हमारे आपने आंसर दिया, मतलब आपने जो जवाब दिया बहुत ही बढ़िया दिया, तो मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि मैंने आपसे मुझसे काफ़ी बार सुना है, और लोग बहुत से टीम के लोगों ने सुना होगा कि एक 90 डेज का फार्मूला, तो सर ये मेरे को बताओ आप, इसमें अपने क्या क्या इसमें खास बात है जो 90 डेज का फार्मूला है। एक्चुअल में देखो, जब भी मेरे को कोई लीडर आता है, ज्वाइन करता है, तो मैं एक बात बोलता हूँ सर, अगले 90 दिन का रोड मैप देता हूँ, है ना। हाँ जी सर। अगले 90 दिन क्या करना है वो बता दो। तो 90 दिन एक्चुअल में देखो, ये सोचा मैंने, एक रीजन ये भी था, मैं साइलेंट कर लेता हूँ, वो ला रहा है कोई व्यक्ति, है ना, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो 90 डेज का उसका विशेष ये था, सिंपल सी मेथड है। 90 दिन अगर हमने अगर बिजनेस को बूस्टअप दिया तो अगले 9 महीने बिल्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। 90 दिनों का रोड मैप अगर हमने कॉपी पेन पे बनाया तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम 90 दिन करने कैसे वाले हैं। 90 दिनों में उसको लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो का आंकड़ा बताता हूँ, टोटल नंबर्स में बात करता हूँ। मैं हाथी की कुत्तों की कहानी नहीं सुनाता, मैं आंकड़ों में बात करता हूँ कि आपको प्लान इतने करने हैं, आपका रिजल्ट इतना आएगा, आपको फॉलोअप इतने करना है, इतना आपका कैलकुलेशन रिजल्ट निकलेगा, क्या आप इससे संतुष्ट हो। वो बोलता है नहीं, तो मैं और उसको रोड में बना के देता हूँ कि इस प्रकार से आप ज्यादा बिजनेस बढ़ा सकते हो। एक विवेक बिंद्रा सर का वीडियो है, शुरुआती 90 दिन 9 महीनों को बिल्ड कर देते हैं, तो उसी वीडियोस की बदौलत 90 दिन अगर 9 महीनों को बिल्ड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं वही फार्मूला बताता हूँ कि शुरुआती 90 दिन आपके 9 महीनों को किस प्रकार से बिजनेस को बिल्डअप करके रख देंगे। और उसी टेक्निक की वजह से मैं अगले 9 महीनों का रोड मैप बना के देता हूँ। और सच बता रहा हूँ सर, शुरुआती जोश जो होता है ना, वो हम टीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप 1 साल बाद उतना रिदम में नहीं मिलोगे,
लेकिन शुरुआत में 90 दिन में आपने हु अल्लाह मचाया, आपने आपकी क्वालिटी दिखाई तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो 90 दिन का फार्मूला लोगों के बीच में अपना ट्रेंडिंग में रहता है कि मैं 90 दिन की, और अच्छा 90 दिन के ऊपर एक वीडियोज भी है तो इसका मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, डाल देना लोग वो भी देख लेंगे। अच्छा तो जैसा कि मुकेश जी ने किसी अपनों ने क्या अभी जैसे एक दो घंटे बैठ के भी प्लानिंग की है, अच्छा तो उससे मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस जाएगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी शो करें कि हमने जो आगे की प्लानिंग है भविष्य में काम करने की, तो उसमें तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ सर। देखो आज जो हमारी बेसिक प्लानिंग रही वही रही अरजिंदर जी, देखो मैं अपनी टीम में ना कुछ लोगों में क्वालिटीज देखता हूँ और उस क्वालिटी को मैं ग्रो करने के मैसेज सोचता हूँ। देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया सब लोग यूज करते हैं, आप भी करते हैं, जाहिर सी बात है और सब करते हैं, लेकिन सर आप सोचने वाली बात है कि कितने लोग उस सोशल मीडिया को प्रोफेशनली यूज करते हैं। लोग कुत्ते की घोड़े की सबकी फोटोज डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको प्रोफेशनली कितना यूज करने हैं। देखो जैसे बाइक चलाना है, जैसे कार चलाना है, उसी प्रकार से प्रोफेशनली सोशल मीडिया को चलाना है। तो आने वाले टाइम में हम सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्डअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और मैं बोलता हूँ नो डाउट मेरी टीम से मैंने 5 लीडरों का चुनाव करने का सोचा है, तो 5 लीडर अभी निकल के आएंगे, उन 5 लीडरों के साथ मैं आने वाले टाइम में हम बिल्डअप करने वाले हैं सोशल मीडिया के साथ बिजनेस, और सोशल मीडिया से हम बिजनेस इतना बड़ा बूस्टअप करेंगे। मैं बोलता हूँ देखो आने वाले टाइम का ट्रेंड है, मैं अपने आप को आगे नहीं मानता, मैं अपने आप को पीछे मानता हूँ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर गए, तो अपने आप को ना तो गिल्टी फील करते हैं हमने जितना किया अच्छा किया, लेकिन अब और अच्छा करेंगे, अब सोशल मीडिया का हाथ पकड़ के बॉन्डिंग बना के और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। तो अब सोशल मीडिया से भी बिजनेस बिल्डअप करने की तैयारी हमारी है। अच्छा मुकेश जी, जिस हिसाब से अपने ने प्लानिंग की है, अच्छा इस हिसाब से अगर आपके पास कुछ जो न्यू जर्नीस आती है, अगर हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो क्या अपने साथ वो बंदा किस प्रकार से ग्रो कर पाएगा? देखो सर फर्स्ट ग्रो कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखो पहली बात तो ना सर, मैं ये मानता हूँ कि आज कोई डायरेक्ट सेलिंग में नया व्यक्ति आता है तो 6 महीनों के अंदर 50,000 के पे आउट पे आना भी बड़ा बात है, क्योंकि मार्केट में 50,000 कमाने का भी कोई ऑप्शन है नहीं, मानते हो बात को? ठीक है। और शुरुआती 3 महीनों में 10-20,000 का पे आउट उठाना भी बड़ी बात है, कुछ लोगों ने उठाए होंगे समझ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, अफवाह ज्यादा है समझ रहे हो। तो हम किस प्रकार से करने वाले हैं, देखो इस वीडियो को जो भी देख रहा है, हाउसवाइफ, टीचर, डॉक्टर, आर्मी पर्सन, पुलिस वाला, स्टूडेंट, सब ज्यादा मैं बड़े एंटरप्रेन्योर्स को और नए यंग स्टूडेंट्स को बहुत लाइक करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ जो लोग हैं नए वो भी इस बिजनेस को बिल्डअप कर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो पकड़ रहेगी वो इस चीज़ की रहेगी कि वो यंग लोग किस प्रकार से, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम अपने घर से भी बिजनेस बढ़ाने की कुछ टेक्निक्स लेके आए हैं, उनको अपना सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, मैं तो सर दोनों तरफ खेलता हूँ, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन का लीडर रहा हूँ, आया अब ऑनलाइन में हूँ, तो कॉम्बो चल रहा है सर। सही है, ये बात है। चलो मुकेश जी आज आपने बहुत ही बड़ी जानकारी दी। चलिए मैं आपके व्यूवर्स को कुछ और बोल दूं एक बार। हाँ सर जरूर आपका। ओके देखो हरजिंदर जी मेरी टीम के ग्रेट लीडर्स में से एक हैं, और हरजिंदर जी के साथ शुरुआत करना आपका सौभाग्य हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि मेरी टीम के अगर टॉप 2 से 3 लीडर चुनने पड़े तो उसमें हरजिंदर जी है। तो सबसे बड़ी बात, और हम एक सिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा डिस्टेंस बहुत कम है, तो और हमने हनुमानगढ़ में अभी ऑफिस भी ओपन करके हम बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमारी टेक्निकली बिजनेस करने की बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो मैं तो बोलता हूँ ना चाहूँ कि आप हरजिंदर जी के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ज्वाइन करें और बिजनेस को बिल्डअप करें। सही सर, जो भी अपने साथ देखो अभी क्या है, जिस हिसाब से हमने आज प्लानिंग की है जो भी, उस हिसाब से मेरा भी क्यों लगता है कि आज अपने साथ कोई बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है, तो हम उसको बहुत बड़े लेवल पर पहुँचा सकते हैं। जो गलतियाँ हमने की वो उनकी नहीं होनी, उनको गलती नहीं होनी, क्योंकि हम डिजिटली उतरने में साल लगा दिया, 1 साल 2 साल लगा दिया, और मैं करता रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं उतना बढ़िया नहीं कर पाया, क्योंकि सोशल मीडिया मेरे को नॉलेज में नहीं था ना, और मेरे को ये पता है कि पहले व्यक्ति को बड़ी तकलीफ होती है, पगडंडी बनाने वाले को तकलीफ होती है, बाद में उस पे ना निशान पड़ जाते हैं, वहाँ रख के जाना होता है। तो अब क्या है, मेरी टीम में देखना इतने डिजिटल एंटरप्रेन्योर निकल के आएंगे, इतना बड़ा बिजनेस करेंगे, तो देखते जाओ सर। चलो थैंक यू मुकेश जी आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू साथियों, इसी प्रकार से अब हमारी कंटिन्यू वीडियोस आने वाली है, जिसमें आपको छोटे छोटे वीडियो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के मिलेंगे, जिसके अंदर कि आप अपनी टीम में शेयर करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बढ़ा सकते हो। थैंक यू सर, धन्यवाद।